मित्रों मसूरीना खूब जाणीता कंपनी बाग में छू, कंपनी बाग नी बहार उभो छू। अहींया तमारे एंट्री लेवानी थशे अने 25 रुपया प्रवेश दर छे, एटले के पर हेड 25 रुपया टिकिट लईने तमे अंदर एंट्री लई शको छो। तो चलो आपणे अंदर जईए। આપણે કંપની બાગમાં આવી ચૂક્યા છીએ અને કંપની બાગ સવારે 9 વાગે ખુલે છે પ્રવાસીઓ માટે અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો રહે છે। બાગમાં પ્રવાસીઓ ફરી રહ્યા છે, ખાસ તો બાળકોની સાથે કેટલાક ફેમિલી ખાસ આવ્યા છે, કારણ કે બાળકોને આ બગીચો ગમે છે, આ બાગ ગમે છે, એના ફૂલો ગમે છે અને ખાસ તો જે પાણીનો જે ફુવારો છે એ પણ ગમતો હોય છે। એક ફેમિલી અહીંયા છે, આપણે એમની સાથે વાતચીત કરીશું। કહાં સે આપ આ રહી હૈ? સર હમ દિલ્હી સે હૈ। દિલ્હી સે? ઇધર આ જાય તો નિકલના તો વાતચીત કરતે રહેંગે। ઓકે, આપ મસૂરી આયે થે ઓર કંપની બાગ ઘૂમને કે લિયે આયે, कैसा लगा? यहाँ पर हमें अच्छा लगा, यहाँ पे स्पेशली अच्छा लगा। बच्चों के लिए यहाँ पे झूले हैं, बच्चों ने एंजॉय कर लिया। ऐसे ये पार्क नहीं है कि बस पैर तोड़ा के आ जाओ, एंजॉय करा। राइड्स है, वैक्स म्यूजियम है, तो अच्छा लगा। वाटरफॉल जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, काफी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मनिका। कैसा लगा आपको? मनिका कैसा लगा आपको, बताओ बताओ। आप भी बताइए आपको मतलब कैसा लगा। जो गार्डन तो सिटी में होते हैं लेकिन ये मसूरी में गार्डन है। दिल्ली से जैसे ही हम आए थे तो वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ आके काफ़ी अच्छा मौसम लगा। काफ़ी ठंड है यहाँ पे और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ के। कंपनी गार्डन में वैक्स म्यूजियम अभी हम गए थे तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन के और आपके कुटबिल महात्मा गांधी के वैक्स काफ़ी अच्छे लगे हमें। और यहाँ पर काफ़ी सारी राइड्स हैं बच्चों के लिए, तो ओवरऑल काफी अच्छा है गार्डन, बहुत हमें एंजॉय किया हमने काफी। और ये है कि यहाँ पे रीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि 500 की टिकट है, नहीं नहीं 20 की भी है, 40 की भी है, रीजनेबल है। एंजॉय करना है, जिसको जाना है जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा नहीं है। और सबसे हर 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 मीडियम क्लास भी आदमी अफोर्ड कर सकते, काफी अच्छा। थैंक यू वेरी मच। તો વેક્સ મ્યુઝિયમમાં હું એના જે કેરેટેકર છે એમની સાથે વાતચીત કરવાનો છું, એના સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરીશ। ક્યા નામ હે આપકા? ચંદ્રા ઠાકુર। ગુજરાત હો યા દેશ કે કિસી ભી કોને સે અગર કોઈ ટૂરિસ્ટ મસૂરી આતા હૈ
तो उनको यहाँ क्यों आना चाहिए? सर मसूरी में जो आना चाहिए लोगों को, सबसे पहले तो यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, आपको पता है काफ़ी ग्रीनी है यहाँ पर, तो लोग मोस्टली यहाँ विजिट आते हैं वेदर के लिए करते हैं। बट अब जो यहाँ पर जो मोस्टली लोग यहाँ विजिट कर रहे हो इस पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट वैक्स म्यूजियम है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे वैक्स के स्टैचूज हैं, जो कि पहले लंदन वगैरह में काफ़ी इसका चलता था मैडम तुषार सालों का, बट नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट वैक्स म्यूजियम ओपन हुआ है, जिसको देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं, तो हमें लगता है कि गुजरात का जो ऑडियंस है उनको भी यहाँ आना चाहिए विजिट करते। हम कंपनी बाग में वैक्स म्यूजियम में खड़े हैं, ये म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि कब शुरू हुआ और विशेषताएँ क्या हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये आपका हुआ था 23 अगस्त 2015 में, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कम्प्लीट हो गया है इसको। और इसके अलावा विशेषताएँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 28 स्टैचूज मिलेंगे आपको, और हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग स्टैचूज बने। इंडियन तो आपको मिलेंगे क्योंकि इंडिया में है तो ऑब्वियसली इंडियन के ज़्यादा हैं, बट आप अगर आप विजिट करोगे ना पूरे वैक्स म्यूजियम में तो काफ़ी कंट्रीज़ के आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है और आपका ये चार्ली चैपलिन है। हाँ फर्स्ट में तो आप गांधी जी को देख रहे हो, ये फर्स्ट जो है हमारे नेशनल फादर जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी, इनका स्टैचू आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद ये जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर है, थर्ड विवेकानंद जी भी यहाँ पे है। वैसे तो हम सेपरेट थोड़ा शूट करने वाले हैं, उधर से देखोगे तो एंजेलिना जॉली जो काफ़ी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है उनका आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस के जो प्रेसिडेंट ओल्ड जो मतलब थे प्रेसिडेंट वो और उनकी वाइफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया ना कि अलग अलग कंट्रीज़ के आपको अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो फेमस है वहाँ पर उनके आपको स्टैचूज मिलेंगे। तो फर्स्ट आप देखोगे ये अपने टाइम पर बहुत फेमस हुए थे बराक ओबामा और मिशेल ओबामा, इनका स्टैचू हमने पहले ही लगाया है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो एंजेलिना जॉली जो हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर्स हैं इनका आपको स्टैचू यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटेन की जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जो लेडी है क्वीन का ये प्रिंसेस डायना, इनका स्टैचू आपको मिलेगा। और हमारे इंडिया की परवीन भाभी भी है, परवीन भाभी हाँ उनके उसमें कंपेयर कर सकते हो आप इनको। इसके अलावा आप देखोगे ये माइकल जैक्सन का स्टैचू यहाँ पर इनके ड्रम्स के साथ है, ताकि पूरा म्यूजिकल इनका आए पूरा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टाइटैनिक मूवी से जो बहुत फेमस हुए थे एक्टर्स उनका आपको स्टैचू मिल जाएगा। और मोस्टली पीपल जो है वो हिटलर को पसंद नहीं करते, कहते इन्होंने वर्ल्ड हाँ कहते इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट किया था पर फिर भी बहुत फेमस है। सद्दाम हुसैन का आप देख सकते हो, मोस्टली लोग बोलते हैं कि इनका लगाना नहीं चाहिए था, पर कई लोग यहाँ पे हमने ऐसे भी देखे जो बोलते हैं कि नहीं इनका होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कुछ हुआ था जब तो इन्होंने इंडिया की काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पे जब भी कहीं फंस गए थे इंडियन पीपल ना। इसके अलावा मिस्टर बीन बच्चों में बहुत फेमस है, लोग इनको बच्चे सबसे पहले पहचान लेते हैं इनको कि मिस्टर बीन का है, तो आप इनको देख सकते हो कि ये बच्चों के बीच बहुत फेमस है इनका। आई थिंक कोई कार्टून आता है मुझे एक्चुअली इतना बता नहीं। हाँ चार्ली चैपलिन एक साइलेंट एक्टर थे लेकिन बहुत फेमस है ये, तो इनका स्टैचू आप देखोगे। और साथ में हमने स्ट्रिक रखी है ताकि लोग सेम एक्शन ऐसा बना सके ना। और जैसे सर ने बोला कि अभी एंजेलिना जॉली इंडियन एंजेलिना जॉली आप इनको बोल सकते हो, परवीन भाभी का स्टैचू आपको मिलेगा। बाकी इसके अलावा ये है बहुत फेमस साइंटिस्ट। वैसे तो गुजरात के ऑडियंस को पता होगा लेकिन मैं बता दूँ जो हमारे यूथ को शायद पता ना हो, परवीन भाभी अपना गुजरातना है, जूनागढ़ में जन्म थयो हतो, अमदावादनी सेंट जेवियर्स कॉलेज में तेओ भण्या हता, पछी बॉलीवुड में बहुत सरस काम करे छे। ए जूनागढ़ में आपने जेटला पण महान लोग मळ्या छे एमां एक परवीन भाभी छे, ये सब कंटिन्यू करशे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप इनका देखो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का, मुझे जब मैं यहाँ जॉब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे एक्चुअली पता लगा कि ये क्यों फेमस है, इन्होंने एक इन्वेंशन किया था EMC² का, तो साइंस के जो स्टूडेंट उनको काफ़ी अच्छा पता होगा इनके बारे में ना। कई लोग बोलते हैं इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था लेकिन बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था। बहुत ही बाकी आपको शेख मिलेंगे सऊदी अरेबिया के ना, इनको तो पर्सनैलिटी देख के आप बता सकते हो कि कितने फेमस रहे होंगे ये। बाकी ये तो आपको बता दिया स्टार्टिंग में। विवेकानंद जी जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कट्टर रिलीजन होते हैं ना, वो इनको बहुत पसंद करते हैं, आखिर लोग पैर भी छूते हैं इनके। थैंक यू वेरी मच। मसूरी आओ तो कंपनी बाग ते जरूर आशो, और आज वैक्स म्यूजियम है यनी मुलाकात तब चौक्स लेजो। पर हेड 100 रुपया टिकट है, पर 100 रुपया में तमने अँ देश विदेश जाता है जे बहुचर्चित चेहराओ है एम तमने अँ स्टेच्यू जवा।